बेस पॉइंट तक हमें लेके जाएंगे, हम बाकी लोग को पिक कर रहे हैं, फिर हम एक बेस पॉइंट तक जाएंगे, फिर वहाँ से हमारी ट्रैक या हाइक या व्हाटएवर जो भी स्टार्ट होगी। नाउ वी आर टेस्टिंग ऑलिव्स, वाइन, ऑलिव ऑयल। It's really strong. Very strong. जल रहा है। White wine. Rosé. Sì. This is 100% Grelluva Scalese. This is very nice. It's a short fermentation, so it will be softer than the white. Yeah. And the method is calling pressed and pushed. We push a fresh grape and they give us a pink color. So it's, yeah, it's a soft white. Masa aa gaya. Then red wine. My best. Ye thodi dry hai. Ye thodi, it's not a sweet one, right? Is it dry? But it's full of flavor, you know. Yes. Because they catch a lot of mineral from it. Now I'm tasting the sweet garlic. It is very crunchy. It's very unique and almost like olive. गाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा, गार्लिक का इतना कोई टेस्ट भी नहीं है, बट टेस्ट है, थोड़ा खट्टा भी है और बहुत क्रंची है। एंड आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ टू गेट ईट कुक पास्ता इन दिस। नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई यहाँ का हनी, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर का हनी क्रीम, हनी Now first we will try honey cream with forest fruit. I think this is strawberry honey. Didi dena thodi si? Thodi si. Are are. Bas. Are yaar, focus hi nahi ho raha. Pink color ka hai basically. हनी लग नहीं रही ना, बिल्कुल लग रही है, हनी तो लग रही है। तुमने हनी इतनी खाई नहीं है इसलिए तो मैंने, बट स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द बेरी बेरी फ्लेवर। ये अच्छी है ना, वाओ। इसमें टेक्सचर भी है बेरी का थोड़ा सा। ये भी वो अच्छी है। हम्म, बट ये वाली मुझे बेटर लगी, जो मिक्स बेरी वाली। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा निकाली तो यही होगा। ये हेज़लनट वाली है, ये थोड़ी कड़वी है। हेज़लनट का बहुत ही ऑथेंटिक फ्लेवर है, ये बहुत ठीक है नॉर्मल हनी से। पीछे और भी पिस्ताशियो, ये
ये भी ठीक है मुझे अभी तक मुझे बेरी बेस्ट लगी. सो वी जस्ट डिड द हनी वाइन ऑयल गार्लिक ऑलिव टेस्टिंग एंड वी बॉट वन स्पाइस मिक्स एंड वन हनी विच इज ऑल बेरी फ्लेवर्ड हनी. This much bottle we got for 4 euro. No. Huh? No. एक बॉटल इतनी सी हनी की. No, it's 1.90 euro. हम वापस कार में बैठने जा रहे हैं और 2 घंटे की कार राइड है शायद या ट्रैक है या क्या है पता नहीं. फिर उससे हम लोग ऊपर वो क्रेटर्स या ट्रैक या हाइक जो भी है वो देखने जाएंगे. मुझे खुद ही नहीं पता इतना नो मैं अनअवेयर क्या हो रहा है. अब हम लोग ये लावा फ्लो लावा एक्शन का रास्ता देख रहे हैं. उसने अभी कोई स्टोरी बताई कि उनके कोई भगवान जिसको प्रे करते हैं उनने वो जब पहले एक बार इरप्ट हुआ था वो रोक दिया था तो अभी भी कुछ होता है तो वो उसको प्रे करते हैं. ये आई थिंक लावा का वो है. पूरा रास्ता लावा के फ्लो से बना है. ये पूरा लावा का वो है एंड मास्क्वीन. ओके हियर देयर आर द टू प्लांट्स दैट कैन ग्रो हियर एंड आफ्टर मॉस बशेस स्मॉल प्लांट्स एंड आफ्टर ट्रीज एंड आफ्टर. ये जो ब्लैक रॉक्स है ये जो पूरा ब्लैक है सैंड टाइप्स ये बेसिकली ऐश है जो लावा इरप्ट होता है तो निकल के आ जाती है. और ये जो रॉक्स है वो लावा है जो जम गया है और ब्लैक है तो इसका मतलब कि वो यंग है अभी लेटेस्ट इरप्शन से है. और वो ऐसे रॉक है तो मतलब लाइट कलर का है तो पुराना है. इंफॉर्मेशन ये देखो ये पूरा लावा का फ्लो है जो भी इरप्ट हुआ है. बाप रे. वैली ऑफ द ऑक्स. वो इधर ही बगल में क्रेटर है उससे आया है 1996 में शायद हुआ था. पहले ये भी एक क्रेटर था जो लावा इरप्ट करता था. अब ये पूरा ग्रीन है और इसको वैली ऑफ द ऑक्स कहते हैं इसलिए क्योंकि ये पहले पूरा ग्रीन था या ऑक्स रहते थे फार्मिंग होती थी बट अब पूरा वो हो चुका है डेजर्ट बैरन. इस पे लोग स्कीइंग भी करते हैं. अब हम और ऊपर जा रहे हैं चढ़ाई करते 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 कोई केव या क्रेटर वगैरह देखने. और करंटली वो जहाँ लेके जाएगी वो सब विल बी वॉकिंग थ्रू ऑल ऑफ द ओल्ड लावा फ्लोज जो 1972 या उसके पहले से और वो किसी केव में लेके जाएगी. तो हम अब और ऊपर हाइट पे जा रहे हैं. ये 1782 की लावा इरप्शन है तो अब यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे आ गए हैं और अब वो हमें अंडरग्राउंड किसी लावा ट्यूब या क्या तो कहते हैं पता नहीं केव वेव के अंदर लेके जा रही है. इसमें मुझे बहुत ही डर लगने वाला है. ये वाई पूरी 1782-32 जो भी था तब की है. क्या भाई ये सब आ रहा है मेरे व्लॉग में. भाई कट कर दो दीदी आराम से. मुझे दर्द हो रही है पैर में तो धीरे धीरे चलो. नहीं गरम तो नहीं है. गैस बबल्स. हम लोग लावा ट्यूब के अंदर है तो दिखा रही है लावा कैसे आती है और जमती है. Where are you?
इधर इसके अंदर बहुत ठंडा है, और उसने कहा ये जो रॉक्स है वो टाइप ऑफ वॉल है जो बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करता है। कम से कम 6-7 डिग्री कूलर होगा यहाँ पे, तो वो यार वो नीचे 7 मीटर डीप है, तो वहाँ हम नहीं जा सकते। और यहाँ पे रॉक, स्पाइडर, और ऐसे पानी भी गिर रहा है, आयरन है, कैल्शियम है, ब्लिस्टर्स, और यहाँ पे अब ग्रीनरी भी आ गई है। ओह, इट्स क्लोज्ड। ओके, द पासेज इज मोर एंड हम उसके अंदर गए थे अभी। अब हम जा रहे हैं टू द ब्लैक डेजर्ट विच इज़ एट 2000 meters अबव सी लेवल, और वो ऑल्टीट्यूड है उसका, और वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ समिट क्रेटर्स हैं। अब एक्सटेंड हो चुके हैं, पहले वो एक्टिव थे, और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब फ्लोरा फौना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रेटर्स हैं। और उसने बोला वो एकदम मून के लैंड की तरह है, लूनर लैंडस्केप की तरह, टेक्निकल वर्ड्स। नाउ वी हैव रीच्ड द ब्लैक डेजर्ट। खंजर बंजर जो भी है वो है, ये यहाँ कोई पौधा पेड़ कुछ भी नहीं है, लावा से पूरा ब्लैक डिस्टर्ब्ड हो गया था। और ये 2001-2002 में जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था उससे है। Where at the top? Wow, a person there. There is a trailer there, and after 45-50 minutes, you can arrive on the top. ये भी एक क्रेटर है। अब हम इस क्रेटर के अंदर जा रहे हैं। ये एक्सटेंड हो चुका है, पहले ये भी लावा इरप्ट करता था। इट्स बेटर हियर बिकॉज़ आफ्टर वी गो अप फ्रॉम देयर। ओके ओके, डोंट वरी, वी हैड द फन। आउच। ये 2001 का इरप्शन का इसीलिए इधर कोई भी ग्रास का पैच है, कुछ भी नहीं।